स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं शिवानी शर्मा। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे एंड बहुत ही मजे के साथ अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, आप लोग जानते ही हैं मैग्नेट ब्रेन्स पे क्लास केजी टू क्लास 12th आपका सीबीएसई बोर्ड, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम एंड वैरायटी ऑफ अदर कोर्सेज बिल्कुल फ्री अवेलेबल है। तो आप लोगों को ना कोई भी सब्सक्रिप्शन नहीं लेना। सो क्लास 12th मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि एक मच अवेटेड वीडियो था ये, राइट? यहाँ हम डिस्कस करने वाले हैं सिलेबस ओवरव्यू। सो आप लोग जानते ही हैं क्लास 12th मैथ्स में एनसीईआरटी बुक के दो पार्ट्स हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 में आपके सामने 6 चैप्टर्स आते हैं, जिसमें से जो पहला चैप्टर है आपका, दैट इज रिलेशंस एंड फंक्शंस, एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ हम डिस्कस करते हैं कि रिलेशन क्या होता है, टाइप्स ऑफ रिलेशन क्या है, क्या कंडीशन होती है कि आपका रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो या ट्रांजिटिव हो। इसके बाद आपको पढ़ना होता है फंक्शंस। आप पहचानते हो कि कोई रिलेशन मेरा फंक्शन है या नहीं, या फिर कितने टाइप के फंक्शंस होते हैं, या फिर वन वन कैसे प्रूव करना है, ऑन टू प्रूव कैसे करना है। बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये आपके लिए। इसके बाद इसमें आप बाइनरी ऑपरेशंस पढ़ते हो। तो बेसिकली रिलेशंस एंड फंक्शंस को अगर हम लोग डिवाइड करें ना, तो हम इसे 3 सब चैप्टर्स में डिवाइड करेंगे, दैट इज रिलेशंस क्या है, फंक्शंस क्या है एंड बाइनरी ऑपरेशंस क्या होता है। तो ये सब हम लोग एकदम डिटेल में डिस्कस करेंगे जैसे ही अपना चैप्टर 1 को हम स्टार्ट करेंगे। इसके बाद आपको पढ़ना है चैप्टर नंबर 2, एक बहुत छोटा सा चैप्टर है, दैट इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में आपको बहुत सारी प्रॉपर्टीज मिलेंगी देखने के लिए, और उन प्रॉपर्टीज को ना आप अवॉइड ना करें, क्योंकि आगे आने वाले चैप्टर्स में ये प्रॉपर्टीज बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होती है, ठीक है। इसके बाद चैप्टर नंबर 3, दैट इज मैट्राइसेस। सो 12th क्लास में एक ऐसा चैप्टर जो बहुत ही न्यू है, इसके बारे में पहले आपने कभी नहीं पढ़ा, और ये बहुत ही ज़्यादा इजी होता है एंड मोस्टली स्टूडेंट्स को ये चैप्टर बहुत पसंद आता है। सो चैप्टर का नाम क्या है, मैट्राइसेस। यहाँ पे आप देखते हो कि ये मैट्राइसेस होता क्या है, मैट्रिक्स को ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप चैप्टर नंबर 3 मैट्राइसेस में पढ़ते हो, ठीक है। तो ये एक नया चैप्टर है एंड ट्रस्ट में ये आपका फेवरेट चैप्टर बन जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं चैप्टर नंबर 4, दैट इज डिटर्मिनेंट्स। तो डिटर्मिनेंट्स क्या होता है, मैट्राइसेस एंड डिटर्मिनेंट्स में क्या अंतर होता है, उसके क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करना है, इसमें भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। वो प्रॉपर्टीज भी आपको इग्नोर नहीं करना, क्योंकि उससे क्वेश्चंस आपके ना बहुत इजी हो जाते हैं, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करना है, कैसे वैल्यू फाइंड करना है, ये सब चीज़ें तो हम तब डिस्कस कर लेंगे जैसे हम अपने चैप्टर नंबर 4 पे आएंगे। अब चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 5 से शुरुआत होती है कैलकुलस के पोर्शन की, और अगर एक बार आपको कैलकुलस बहुत अच्छे से समझ में आ गया ना, तो आपको ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। आप हर वक्त ना कोशिश करोगे कि चलो कैलकुलस के ही क्वेश्चन सॉल्व करते चले। तो इसमें क्या आता है, सबसे पहले चैप्टर नंबर 5 है इसमें कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। कंटिन्यूटी, आपका कोई फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं, देखो मैंने बोला फंक्शन, आपने चैप्टर नंबर 1 में रिलेशंस एंड फंक्शंस पढ़ा था, तो कहीं ना सारे चैप्टर्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो आपको हर एक चैप्टर को ना बहुत बारीकी से पढ़ना है, और ऐसे पढ़ना है कि हम उसके कंसेप्ट्स अपने आगे आने वाले चैप्टर्स में लगा सकें, ठीक है। नॉलेज के लिए पढ़ना है, इस बात को पहले से ही आप लोग ठान लो, ओके। सो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में आप चेक करते हो फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं। डिफरेंशिएबिलिटी में बहुत मस्त मेथड्स होते हैं, जैसे कि प्रोडक्ट रूल, क्वेश्चन रूल, चेन रूल, इनके साथ आप अपने क्वेश्चंस को डिफरेंशिएट करते हो। तो ये सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाली हैं। एक बार हम चैप्टर 5 पे आएंगे, आपको बहुत मज़े आएगी, क्योंकि इस चैप्टर को हम सबसे ज़्यादा ईजी तरीके से पढ़ने वाले हैं, ओके। फिर बात करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स आपका चैप्टर नंबर 6 है। यहाँ पे आपको लग रहा है कि चैप्टर सिर्फ एक है, लेकिन इसके अंदर ना 5 सब चैप्टर्स हैं, दैट इज अप्रॉक्सीमेशंस क्या होता है, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल क्या है, आपका मैक्सिमा मिनिमा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। तो ये सारी चीज़ें आप लोग एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स में पढ़ने वाले हो। अगेन, बहुत लेंदी चैप्टर नहीं है, धीरे धीरे जब क्वेश्चंस को पढ़ोगे तो आप लोग अपने आप ही चीज़ें डिकोड करने लगोगे कि मुझे कैसे सॉल्व करना है इन क्वेश्चंस को। और एक और चीज़ आपको बता देती हूँ, ये जो चैप्टर है ना आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, जहाँ पे आप मैक्सिमा मिनिमा पढ़ते हो, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शंस पढ़ते हो, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ना ये चैप्टर भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओवरऑल आपका 12th का मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन स्पेसिफिकली अगर बात करूँ ना, तो कैलकुलस का पोर्शन महा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए।
इसके बाद हम बात करते हैं इंटीग्रल कैलकुलस। तो जैसे ही आप चैप्टर नंबर 7 देखते हैं, आपकी जो बुक है वो पार्ट 2 में चेंज हो जाती है। यहाँ पे भी आप कुछ चैप्टर्स देखेंगे, जैसे चैप्टर नंबर 7 दैट इज नोन एज इंटीग्रल्स, एक लेंथी चैप्टर है, इंटीग्रल कैलकुलस की शुरुआत हो जाती है, बहुत सारे मैथड्स होते हैं। अगेन, जिसको डिफ्रेंसिएशन पसंद आता है ना, उसको इंटीग्रल्स तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, रेगुलरली स्टार्टिंग से अगर पढ़ते जाएंगे ना, तो आपको एंड में परेशानी नहीं होगी, क्योंकि आपके क्लास 12th मैथ्स का कोई भी ऐसा चैप्टर ऐसा नहीं है जिसे आप एक दिन पहले पढ़ो तो आपको फुल कॉन्फिडेंस आ जाए। आपको स्टार्टिंग से एकदम अपना बेस बनाते हुए पढ़ते जाना है, ठीक है? तो स्टार्टिंग से ही पढ़ने की एकदम हैबिट डाल लीजिए क्लास 12th मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स। इसके बाद हम बात करते हैं चैप्टर 8 दैट इज एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। ये तो बहुत ही ज्यादा इजी चैप्टर है, इसमें बस आपको 4 या 5 स्टेप्स याद रखनी होती है और उनसे आप सारे क्वेश्चंस को निपटा देते हो, ठीक है? फिर बात करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस। डिफरेंशियल इक्वेशंस में हम बेसिकली देखते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करते हैं, ऑर्डर क्या है, डिग्री क्या है। 3 मेथड आपके पास होते हैं किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के, दैट इज वेरिएबल सेपरेशन मेथड, आपका होमोजेनियस, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये एक बहुत ही मजेदार चैप्टर है। तो फिर से मैं आपको कहूंगी चैप्टर 5, 6, 7, 8, 9, ये तीनों चारों पांचों चैप्टर ना आपस में कनेक्टेड हैं। इसके लिए जब आप चैप्टर 5 पढ़ेंगे ना, तब इस चीज को बिल्कुल टारगेट बना लीजिएगा कि चैप्टर 5 मुझे ऐसे पढ़ना है, क्योंकि आगे आने वाले चैप्टर्स में आप उसका कहीं ना कहीं यूज देखेंगे। एंड अगेन, बहुत सारे फॉर्मुलेज आने वाले हैं, आपको फॉर्मुलेज तो याद करने का एकदम अपना अप्रोच रखना होगा, क्योंकि बहुत फॉर्मुलेज आएंगे, बहुत सारे पैटर्न्स आएंगे, उन सब को आपको अपने दिमाग में एकदम फिक्स करते हुए चलना है। इसके बाद आप आते हैं एक नए जोन में, दैट इज चैप्टर नंबर 10, वेक्टर एलजेब्रा। कैलकुलस पढ़ने के बाद ना वेक्टर एलजेब्रा एक बहुत ही ज़्यादा इजी चैप्टर लगने लगता है, क्योंकि इसमें बहुत बेसिक चीज़ें आपसे डिस्कस की गई हैं, जैसे डॉट प्रोडक्ट क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट क्या है, वेक्टर्स को ऐड कैसे करते हैं, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें आप चैप्टर 10 वेक्टर एलजेब्रा में देखेंगे, और ये चैप्टर भी एक ईजी चैप्टर है, हम इसको ईजिएस्ट वे में पढ़ेंगे, ओके? फिर बात करते हैं 3-डायमेंशनल ज्योमेट्री। सो 3-डायमेंशनल ज्योमेट्री में ना 3 चैप्टर्स ही आ जाते हैं, दैट इज DRDCs, लाइन एंड प्लेन। तो आप ये 3 चीजें इस चैप्टर में पढ़ते हो। अगेन, स्टार्टिंग से अगर पढ़ रहे हो, कॉन्सेप्ट्स अगर स्ट्रॉन्ग कर लिया है, तो 12th क्लास का मैथ सबसे ज्यादा ईजी है, ठीक है? इस बात को याद रखना है आपको। फिर बात करते हैं चैप्टर नंबर 12, लीनियर प्रोग्रामिंग। ये भी एक अलग ही जोन में आपको लेके जाता है। यहाँ पे आप ग्राफ में प्लॉटिंग करते हैं, आप फॉर्मेशन करते हैं अपनी इनइक्वालिटीज का, आप शेडिंग करते हैं। यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। लाइक इतना सब कुछ पढ़ने के बाद ना, इस चैप्टर को पढ़ने में अलग ही मजा आता है, क्योंकि ये बहुत ईजी हो जाता है। फिर आते हैं चैप्टर 13, दैट इज प्रोबेबिलिटी। और इस चैप्टर से तो बिल्कुल डरना ही नहीं है आपको, क्योंकि हमने ऑलरेडी इस चैप्टर को ना बहुत इजी तरीके से पढ़ रखा है। जैसे प्रोबेबिलिटी में आप देखते हो कि रैंडम वेरिएबल क्या है, उसके बाद कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, उसके बाद बेस थ्योरम। तो इसके क्वेश्चंस ना बहुत ही मजेदार है। 12th क्लास की प्रोबेबिलिटी आपको सीरियसली बहुत पसंद आएगी, ओके? तो ये सारे चैप्टर्स हैं आपके 12th क्लास मैथमेटिक्स में। हर एक चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर से आपको बता देती हूँ मैं, याद रखना है आपको कि 12th क्लास का मैथ्स जब आप पढ़ना, जब भी पढ़ना स्टार्ट कर दो, तब से ही एकदम फुल फोकस के साथ पढ़ना है। एक दिन पहले की पढ़ाई आपको काम नहीं आएगी। स्टार्टिंग से बेस के साथ कंसेप्ट बिल्ड करते हुए पढ़ते चलो। एक बार अगर आपने अपना कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग कर लिया, तो आपको ना कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम बना रहे, आप आसानी से उन कॉम्पिटिटिव एग्जाम को टारगेट कर सकते हो, क्योंकि आपका फाउंडेशन क्लियर है, ओके? सो याद रखिएगा एंड प्रॉमिस करना मुझे कि यस मैम, हम स्टार्टिंग से बिल्कुल जैसे आप स्टार्ट करेंगे पढ़ाना, वहीं से पढ़ना बिल्कुल परफेक्शन के साथ तैयारी अपनी शुरू कर देंगे, ठीक है? आपको एग्जाम के एक दिन पहले, 2 दिन पहले या 10 दिन पहले नहीं पढ़ना है, आपको स्टार्टिंग से पढ़ना है, ओके? तो ये पूरे चैप्टर्स थे, हमने डिस्कस कर लिया। फिर से कहूंगी 12th क्लास का मैथ्स बहुत ईजी है, बिल्कुल भी टफ नहीं है, ओके? सो स्टूडेंट्स, ये था आपका सिलेबस ओवरव्यू। अब बहुत जल्दी हम लोग अपने चैप्टर 1 के साथ शुरुआत करेंगे, दैट इज रिलेशंस एंड फंक्शंस। सो टिल देन, बी कनेक्टेड विद मैग्नेट ब्रेन्स एंड कीप प्रैक्टिसिंग।